हस्तमैथुन की लत से लगने वाले 10 गंभीर नुकसान, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। अकोला में पिछले 41 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हस्तमैथुन अर्थात मुट्ठी मारना, हैंड प्रैक्टिस, मास्टुबेशन, ये सब नॉर्मल है, इसमें कोई दुमत ही नहीं। मगर जब उसका बहुत एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तब इसका प्रॉब्लम होता है। अलग ढंग से या गलत ढंग से करते हैं, वो गलत तरीके से करते तो प्रॉब्लम होता है, तो उसके बारे में मैं आज बातचीत करूँगा। क्या है कि आज का युवा वर्ग जो है, युवा गलत राह पर चल रहे, भटक रहे हैं। उनको पॉर्न वीडियोस इजीली अवेलेबल है, सेक्स के वीडियोस इजीली अवेलेबल है, अलग अलग साइट्स है, डेटिंग साइट्स है, रिलेशनशिप में रह रहे हैं। सेक्स बोले तो बहुत ही कॉमन हो चुका है। शराब के आदि हो गए, धूम्रपान के आदि हो गए, शराब के नशे में कुछ भी करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उसमें भी कुछ भी कर लेते हैं, उसमें फिर दूसरों की सुनते हैं, जिज्ञासा होती है, वो किए तो अच्छा लगता है और फिर उसकी आदत बन जाती है और फिर वो ज़्यादा करने लगते हैं और प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, लत लगती है तो क्या होता है, उससे क्या प्रॉब्लम, उसके बारे में बातचीत करने वाला हूँ। नंबर एक, बहुत ज़्यादा करने से आपको थकान महसूस हो जाएगी। लोग 4-4 बार, 5-6-7 बार हस्तमैथुन एक दिन में करते हैं, उनको बहुत थकान महसूस होती है, तो वो कुछ काम के रहते नहीं है। नंबर दो, पेनिस के ऊपर जख्म हो सकती है। क्या होता है कि बार बार आप घिसेंगे, इच्छा नहीं है तभी भी घिसेंगे, स्टिमुलेशन होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, इसलिए घिसेंगे तो जख्म होने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं और बाद में फिर फाइब्रोसिस हो सकता है, लिंग सिकुड़ सकता है। नंबर तीन, इसकी आदत पड़ जाती है और आदत से मजबूत हो जाते हैं, और एक बार आदत पड़ गई तो फिर बाद में शादी के बाद में भी यही करेंगे और सेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मज़ा आ रहा है, सेक्स में मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम उसका बन सकता है। नंबर चार, आपका समय बहुत बर्बाद होता है। लोग जब 5-6-7 बार करते हैं रोज, तो नेचुरली समय निकल जाता है, उसमें काफ़ी सारा समय वेस्ट होता है और फिर आप ना पढ़ाई के काम में रहते हैं, ना कुछ प्रोडक्टिविटी आपकी रहती है। नंबर पाँच, शीघ्र पतन की बीमारी आपको लग सकती है। शीघ्र पतन कैसे लगता है कि भाई देखो, आपको हैंड प्रैक्टिस करनी है, हस्तमैथुन करना है, समय नहीं है, फटाक से बाथरूम में करना है, बाकी घर के लोग अभी मतलब बाथरूम कम है, एक ही बाथरूम है, लोग बोलते चलो चलो जल्दी निपट लो, मतलब स्नान करना है जल्दी तो जल्दी हाथ से कर लो, या सेपरेट बेडरूम नहीं है तो फिर जल्दी जल्दी कर लेना है, तो ऐसे समय फिर जब जल्दी करने की और जल्दी निकालने की आदत लग जाती है तो वो बाद में भी कायम रहती है शादी के बाद में, और शीघ्र पतन की बीमारी हो जाती है। नंबर छः, हस्तमैथुन कुछ लोग बहुत प्रेशर देके करते हैं, बहुत प्रेशर देंगे, और जब बहुत प्रेशर देके करेंगे हस्तमैथुन, उसमें उनको धीरे धीरे मज़ा आने लगता है प्रेशर देके, अब वो बन जाती है आदत। अब ये प्रेशर की आदत एक बार बन गई, शादी के बाद में जब सेक्स करते हैं तो इतना प्रेशर तो योनि में रहता नहीं है, कि योनि इतना वो लिंग को पकड़ लेंगे और प्रेशर देंगे, मैं उनको मज़ा ही नहीं आता है और फिर वो टालना चालू कर देते हैं, तो ये प्रेशर का प्रॉब्लम उनको आ जाता है। नंबर सात, स्वयं के प्रति घृणा हो जाती है कि इतनी आदत लगी है, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं वही सोचते रहता हूँ और फिर अच्छा नहीं है, फिर काफ़ी सारे वीडियोस देख लेते हैं वो कि हस्तमैथुन करना वहाँ पाप है, हस्तमैथुन करके आप ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे और वगैरह वगैरह, और फिर बचपन में आपने गलती की होंगी तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ बड़े प्रॉब्लम में भी आ चुके होंगे, ऐसा कुछ ना कुछ आप सुनते हैं और फिर उससे आत्मग्लानी हो जाती है, खुद के प्रति घृणा हो जाती है। नंबर आठ, लिंग के ऊपर सूजन आती है। जब आप बार बार घसेंगे तो लिंग के ऊपर सूजन आ सकती है। नंबर नौ, यदि आप बहुत बार हस्तमैथुन करते हैं, कभी कभी लोग क्या करते हैं कि मज़ा आने के लिए उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं, या जल्दी गिरना नहीं चाहिए करके मोड़ते हैं, और उस समय फ्रैक्चर, पेनाइल फ्रैक्चर होने के चांसेस पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। नंबर दस, प्रेशर करके यदि वीर्य को कुछ लोग रोक देते हैं हस्तमैथुन करके, प्रेशर करेंगे और रोक देंगे, अब प्रेशर करके आप रोक देंगे ताकि वीर्य गिरेगा नहीं ऐसा उनको लगता है,
तो इसमें फिर मांसपेशियों का नुकसान हो सकता है और आगे चल के फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे 10 प्रॉब्लम मैंने आपको बताया। हस्तमैथुन सही तरीके से करते हैं, हफ्ते में एक हाथ दो बार करते हैं, दिन में भी एक बार करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी आदत लग जाना, लत लगना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के रूप में वो दिखना, ये प्रॉब्लम है और उससे क्या नुकसान हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया। ये कभी आपको होता है तो डेफिनेटली इसे दूर कैसे होना, इसके बारे में मैं वीडियो अलग है, वो कृपया आप जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि लोगों को जो आदत बन चुकी है, पड़ चुकी है हस्तमैथुन की, वो आदत से वो दूर हो जाएंगे। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, आपकी ज़िंदगी का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।